आप सबका आपके अपने चैनल मां का मेनू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। तो चलिए देख लेते हैं पास्ता बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। हमने लिए हैं 4 ब्रेड जिसे स्क्वायर में काट लिया है, 1 मैंने लिया है 250 ग्राम पास्ता, 1 हरी शिमला मिर्च लंबा लंबा काट लिया है, 1 छोटी कटोरी कॉर्न लिया है जिसे नमक डाल के बॉईल कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच पिज्जा सीजनिंग, 1 छोटा चम्मच राई, 4 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स और ये लिया है मैंने सेजवन चटनी 1 बड़ा चम्मच, नमक और बटर क्योंकि हम पास्ता बटर में ही बनाएंगे। और हमने लिए हैं 6 चीज स्लाइस। अब मैंने एक पैन में पानी बॉईल होने रख दिया था, पानी बॉईल हो चुका है, उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला था और 1 छोटा चम्मच ही नमक डालेंगे और पास्ता डालेंगे। पास्ता डालने के बाद आप एक बार इसे चला दें ताकि पास्ता नीचे चिपके नहीं। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब तक हमारे पास्ता बॉईल हो रहे हैं हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे, तब तक हम हमारे ब्रेड जो स्क्वायर लिए थे उसे हम बटरिंग कर लेते हैं। इसे हम ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करेंगे ताकि जो ब्रेड है वो क्रंची हो जाए और पास्ता में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास्ता बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि पास्ता चिपके नहीं। अब हमने एक पैन रख दिया गैस पर और इसमें हम बटर डाल लेंगे। मैं पास्ता बटर में बना रही हूँ, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। बटर को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें राई डालेंगे, जो लहसुन की कलियां ली थी बारीक काट के वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे, लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हमने जो शिमला मिर्च ली है वो डाल देंगे, कॉर्न डाल देंगे, हम इसे थोड़ी देर हाफ कुक करेंगे। अब हमारी सब्जियां हाफ कुक हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमने पास्ता में भी नमक डाला है तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और सब्जियों को हमें पकाते हुए 2 से 3 मिनट हुई है, अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। पिज्जा सीजनिंग डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस है, और जो सीजन चटनी ली थी वो भी डाल देंगे। ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और जो 1 छोटा चम्मच विनेगर लिया था वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ज्यादा देर चलाना नहीं है। हमने पास्ता को निकाल के अच्छे ठंडे पानी से धो लिया था तो हमारे पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पास्ता रेडी हो चुके हैं, अब हम इसमें जो टीन लिया था इसमें निकाल लेते हैं। अगर आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो आप इस टाइप के बर्फ जमाते हैं जो फ्रिज में, उसमें भी बेक कर सकते हैं।
तो अब हम शुरू करते हैं। अब हमने पास्ता की एक लेयरिंग लगा ली है और हमने जो ब्रेड बेक की थी 10 मिनट के लिए वो भी तैयार है। अब हम इसकी एक एक लेयरिंग करेंगे। अब हमने चीज की भी लेयरिंग कर दी है। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे पिज्जा सीजनिंग। चिली फ्लेक्स और अब हम इसे 180 डिग्री पर ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बड़े बर्तन में नमक डाल के फ्लेम को लो ही रखें और पास्ता को इसमें रख के और ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। लीजिए, अब हमारे पास्ता रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।